जो अपराधी मारने वाला उसको हम तो कहते हैं जिसने ऐसा किया उसको फांसी की सजा होना चाहिए। एक की गिरफ्तारी भी हुई है। गिरफ्तारी से क्या होता है, हम आपको मार देते हैं, हम गिरफ्तार हो जाएंगे। बीजेपी के नेताओं से लेके और उनके चिड़िया चाहिए देख लीजिए सामने उठा के, बीजेपी के हर एक बयान से दंगा वाली बात आती है। मोदी हिंदू मुस्लिम हर चीज, बीजेपी यही किसी तरह तेजस्वी को छवि को खराब करना चाहता है। बीजेपी कार्यकर्ता वालों से कहना चाहते हैं कि वो जो है इसको मामलों का जल्दी निपटाए और दोषियों को जल्दी धरपकड़ करे। छपरा की घटना का मैं निंदा करता हूँ, वो किसी के बीच के हों। दो दिन के दौरान आपका शासन प्रशासन क्या कर रहा है जो ऐसे चला जा रहा है? आप जंगल राज की बात कर रहे, लालू के राज में जंगल राज तो आपके सामने दिख रहा है। हाँ तो आप बोलते हैं कि आरजेडी की सरकार जंगल राज है, मान लेते, आपके सरकार में क्या हो रहा है फिर? हम तो नहीं कर रहे राम राज है, हम कहाँ कर रहे राम तो फिर राज? देश में लोकसभा चुनाव चल रहा है और इधर छपरा में जो है एक दिल दहला देने वाली घटना का जो है कि खबर आती है। खबर है कि दो जो समर्थक है, दो पार्टी के समर्थक है, वो आपस में भिड़ जाते हैं और दो लोगों की मौत हो जाती है। अब इधर सवाल ये उठता है कि यह चुनाव जो है आम जीवन से ज़्यादा हो गया है, क्या हम जो है राजनीति में इतने घुस गए हैं कि हमें ये भी समझ में नहीं आता है हम इंसान हैं? हमारे साथ जनता है, उनसे पूछेंगे कि वो छपरा की घटना पर क्या कहेगी, क्या कहिएगा छपरा की घटना पर जो दो लोगों की मौत हो गई है? बहुत निंदनीय घटना है यार, सुबह से जब से ही न्यूज़ सुने हैं हम लोग नहीं बताए कितना सुबह से उदास है। लेकिन यहाँ पर जो बात आती है शासन प्रशासन, ये लोकतंत्र की हत्या है। वोटिंग के दौरान आपका शासन प्रशासन क्या कर रहा है जो ऐसे चला जा रहा है? आप जंगल राज की बात कर रहे, लालू के राज में जंगल राज तो आपके सामने दिख रहा है। जंगल राज, अरे आप इसे जंगल राज नहीं मानिएगा तो क्या मानिएगा भाई? बीजेपी कह रही है कि ये पटकथा लिखी हुई राजद की है, जानबूझ के किया गया। अगर राजद को ऐसा करना होता तो परसों करता ना, क्योंकि वोट तो कल हो गई थी, वोट तो कल थी, तो ये कल होता या परसों होता, सुबह सुबह गोलीबारी कराने से राजद को क्या फायदा है यार? रोनी डर गई है, रोनी। अरे तो डर सुबह राजद को कराने से क्या फायदा, अपना सोच नहीं है? अगर वही चीज करवाना था राजद को तो परसों करवाता, दो दिन पहले करवाता ताकि वोट के दिन हो। ये तो वोट के बाद की बात है ना, वोट की बात की बात है। और राजद के ही कार्यकर्ता मरा है तो अपराधी, जो अपराधी मारने वाला उसको हम तो कहते हैं जिसने ऐसा किया उसको फांसी की सजा होना चाहिए। एक की गिरफ्तारी भी हुई है। गिरफ्तारी से क्या होता है, हम आपको मार देते हैं, हम गिरफ्तार हो जाएंगे। अच्छा, हम खून का बदला, खून आप सजा दीजिए, उम्र कैद की सजा दीजिए, फांसी की सजा दीजिए, दीजिए ऐसा सजा ऐसा होनी चाहिए कि आगे के सीख होनी चाहिए। बाकी जो जानता है ना, जो नेताओं के चक्कर में चुतिया बन जाता है, उस जनता को सीख होनी चाहिए, ऐसा सजा होना चाहिए। ये तो सवाल, नहीं सवाल तो जनता पे भी उठता है ना कि हम इतने अंधे हो जाते हैं किसी पार्टी के समर्थन पे, ये भी नहीं दिखाने देता है कि हम भी इंसान हैं, सामने वाले भी इंसान हैं, और इस तरह का व्यवहार करने लगते हैं। तो यही ना बात, जनता वो ऐसा ही जनता है जो अपना नेता को बाप मान रहा है ना, नेता को बाप मान रहा है। अभी बिहार में प्रेजेंट में किसकी सरकार है? बीजेपी एनडीए की सरकार है ना, तो अभी बिहार में कुछ होगी तो किस सरकार पे सवाल उठेगी? एनडीए सरकार पे सवाल उठेगी? प्रशासन किस लिए है कि दंगा ना हो, हर चीज़ नहीं हो, और दंगा करने वाले के साथ सख्ती से कार्रवाई हो। हम सारण के जनता से यही कहना चाहेंगे कि आप लोग प्लीज़ माहौल शांत रखिए, इन नेता दंगा में मत पड़िए, ताकि पुलिस को अच्छे से अपना काम करने दीजिए, पुलिस अपने अच्छा से काम करे, उनको टाइम चाहिए। अगर आप फिर से वही दंगा कीजिएगा तो पुलिस आपको संभालने में ही लग जाएंगे, तो अपराधी बच जाएगा। अभी अपराधी पर सख्ती से करवा लेंगे। यहाँ तो आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला शुरू हो गया है, बीजेपी राजद को कोस रही है, राजद बीजेपी को कोस रही है, एक इंसान की जान चली। भाई हम विनती, जिनको लगता है बीजेपी के नेताओं से लेके और उनके चिड़िया चाहिए देख लीजिए सामने उठा के, बीजेपी के हर एक बयान से दंगा वाली बात आती है। मोदी हिंदू मुस्लिम हर चीज, बीजेपी यही किसी तरह तेजस्वी को छवि को खराब करना चाहता है, जातीय में दंगा करवाना, धर्म में दंगा करवा के किसी तरह छवि खराब करना चाहते हैं, और इसीलिए हम कहते हैं इसमें अभी नहीं पड़िए। अच्छा। इसमें अभी नहीं पड़िए, अभी बस तो बीजेपी धर्म धर्म कर रही है और राजद जो है वो जाति जाति कर रही है ना? नहीं, कुछ नहीं कर रही है बीजेपी, राजद एकदम शांति से समाजवादी विकास पे बात कर रही है, रोजगार पे बात कर रही है, जातिवाद नहीं कर, कहाँ कर रही है जातिवाद, कहाँ कर रही है? अरे मैनपुरी में देखिए, सुनिए इसे देखिए, मैनपुरी में अखिलेश यादव गया मंदिर में तो उस मंदिर को धोने लगा, क्यों? क्योंकि आप गलत मैसेज देना चाहते हैं, फिर आदमी में गलत इंटेंस पैदा करना चाहते हैं, फिर दंगा हो। मैनपुरी में भी वही हुआ, जहाँ जहाँ बीजेपी हार रही, जहाँ जहाँ बीजेपी की बड़ा सीट है वहाँ पर बीजेपी कुछ भी करने को तैयार, जहाँ पे हार रही है वहाँ पे ऐसा करवा रही है, यही आरोप है। हाँ, क्या कहिएगा आप, मैनपुरी एग्जांपल है, क्या कहिएगा? तो सही बोल रहा हुई है तो क्या कहिएगा? वो गलत है, नहीं होना चाहिए था, इस घटना जो है किसी की जान चली गई, इसके लिए हम दुखी प्रकट करते हैं। और बीजेपी वालों से कहना चाहते हैं कि आप लोग जो है इसको शासन प्रशासन, लेकिन अभी ये सिद्ध भी तो नहीं हुआ है ना कि बीजेपी वालों ने करवाया है।
नहीं करवाए तो उन्हीं के बीजेपी कार्यकर्ता ही मारे हैं, कार्यकर्ता ही कार्यकर्ता में लड़ाई हुई है। इसलिए बीजेपी कार्यकर्ता वाले से कहना चाहते हैं कि वो जो है इसको मामले को जल्दी निपटाए और दोषियों को जल्दी धरपकड़ करे। आपको क्या लगता है घटना है उस पर क्या कह रहे हैं कि अखिलेश यादव के मंदिर गए थे तो मंदिर धुलवाएगा? अखिलेश यादव तो खुद बोले थे कि हम भगवान को नहीं मानते हैं, तो मंदिर नहीं धुलवाया, उसको क्या करना गया था मंदिर में चुनाव के टाइम में? छपरा की घटना आके हमसे अखिलेश यादव बात करें ना, वो तो मंदिर ही धुलवाया गया, बहुत कम धुलवाया, हम तो पाउडर छपरा की घटना पर क्या कहिएगा? वो गलत है दुर्घटना, वो जो हुआ है वो गलत है। सरकार देखिए ये जंगल राज नहीं है, इन्हीं से पूछ लीजिए, ये अपने आप में ये वही बोलेंगे, इनको और कुछ समझ में नहीं आएगा। तो जंगल राज को तो जंगल राज ही बोलेगा ना, क्या बोल रहा है अभी? हनुमान राज राम राज तो नहीं बोल रहे हैं, हम राम राज बोल रहे हैं। नहीं कहना है कि राम राज नहीं, एनडीए की सरकार है ना, अभी तो एनडीए आरोप लगाती है। गलत को गलत ही है, ठीक है। अब एनडीए की सरकार में गोली चल गया था, बेगूसराय में किसी सरकार में गोली चला था बताइए हमको? बेगूसराय में गोली चला था, 8 आदमी मरा था 6 महीना पहले। 6 महीना पहले भी कहां? अब उनसे पूछे, उनको पता ही नहीं। इलेक्शन हुआ है 6 महीना, तब क्या ना क्या तो फिर आप सरकार किसका था? एनडीए की सरकार था, आरजेडी की सरकार। कब? जब बेगूसराय में 8 लोग मरे हैं रोड पर। लोकसभा के चुनाव किसका सरकार था? किसका सरकार था? अच्छा चुनाव के टाइम में गोली चले तो गलत है, चुनाव के खत्म हो और सरकार में गोली चले ठीक है? हाँ ठीक है, गोली चलना। हाँ तो आप बोलते हैं कि आरजेडी की सरकार जंगल राज मान लेते, आपके सरकार में क्या हो रहा है फिर? हम तो नहीं कह रहे राम राज, हम कहाँ कह रहे राम, तो फिर गलत को गलत ही बोलेंगे। गलत को गलत ही बोलेंगे, और भी हमारे साथ लोग हैं। छपरा की घटना पर क्या कहिएगा? छपरा की घटना में जो हुआ उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन राजीव प्रताप रोडी वहाँ से भारी ऊपर की ओर कैसे दिक्कत नहीं है? किसी की जान चली गई, उसमें कैसे दिक्कत नहीं? वो गई है, उसके बारे में मुझे इतना जानकारी नहीं है, लेकिन अगर आप पूछिएगा कि वहाँ से कौन जीत रहा है तो राजीव प्रताप रोडी का जीत है एकदम बिल्कुल। क्या कहिएगा छपरा की घटना पर? अरे छपरा की घटना का मैं निंदा करता हूँ, वो किसी के बीच के हों जो इस तरह का हरकत किया।